तो सुनसान जैसा इलाका लग रहा है, क्योंकि आज था हमारा पेपर इंग्लिश का। पेपर कैसा हुआ? जा रही तो वो देख मतलबी सी कैसा है पेपर। तो आज कुछ बच्चे हमारे सर जी लिखने में। हे गाइस, कैसे आप सब? एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। और आज एग्ज़ाम मेरे 2 बजे अभी हो बज चुका है 1:47। तो चलिए लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, वहाँ पर कितने बच्चे आए हैं। लेट हो चुका हूँ इसलिए ऑलरेडी मुझे भाग भाग के जाना पड़ेगा। कंटिन्यू आप बने रहिए चैनल में, कर दीजिए सब्सक्राइब। गुरुद्वारा अभी अभी मैं यहीं पहुँचा हूँ और इसके बाद इस तरफ मुझे मुड़ना है और इसके बाद MLN स्कूल पे जाना है। एक है कॉलेज और एक है स्कूल, तो ये रोड निकलता है। और पहले ही ऑलरेडी मैं काफ़ी देर हो चुका हूँ, तो मैं चलता हूँ फटाफट आपको दिखाता हूँ। और ये रहा फाइनली एग्ज़ाम सेंटर तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, ये देखिए। देख लेता हूँ मैं अपना ओ कहाँ पे आई है, कौन से रूम में है मेरा। और अभी सभी बच्चे आ चुके हैं लगभग लगभग। नई रोल नंबर लिस्ट अब तक लगी नहीं है, शायद ये वाली हो कहीं। सो गाइस, आज मेरा है दो नंबर रूम में 702। चलिए लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि अंदर का क्या माहौल रहेगा, जो कि पूरा का पूरा है। देखते हैं अंदर जा कर के। सो गाइज, वो फर्स्ट ईयर का था, यहाँ पे हैं 702, रूम नंबर 1 में है आज मेरा। तो आज कुछ बच्चे कम हैं इसलिए यहाँ पे रूम नंबर 2 में लिखने में लगे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं और ये रहे लिख रहे हैं यहाँ पे हमारा। 3 hours later. सो गाइज, आज तो सुनसान जैसा इलाका लग रहा है, क्योंकि आज था हमारा पेपर इंग्लिश का और इंग्लिश कुछ ही बच्चों ने लिया था। साइंस और इंग्लिश में हमें चूज करना था, तो इंग्लिश आधे बच्चों ने लिया और इंग्लिश कुछ ने लिया। इस करके यहाँ पर जो भी था बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। बाकी ये सारा का सारा सुनसान जैसा एरिया बन चुका है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर होने की वजह से यहाँ पर कम भीड़ थी और दिनों की कंपैरिजन में। तो आज भी अभी पेपर हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, सभी बच्चे आने वाले हैं। आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन आ रहा है। और मैं आपको बात बता दूं तो इंग्लिश के पेपर में पूछने में मज़ा आएगा कि इंग्लिश का पेपर आखिर हुआ कैसा बच्चों का। तो चलिए पूछेंगे और उनसे देखते हैं। तो गाइस देखो, इन्होंने कहा कि अभी बहुत ही अच्छा पेपर हुआ, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा क्लासरूम में, इसीलिए अच्छा कहा। क्योंकि इंग्लिश के पेपर और बच्चे देखते हैं कि क्या कहेंगे। बाकी मेरा तो अच्छा हुआ, मैं तो ये मानता हूँ। भाई देखिए, एक भाई आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। आप अकेले ही रह गए थे, आपके साथी लोग कहाँ हैं? और उनके आज नहीं थी, उनके पास साइंस है। पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक हुआ, इंग्लिश के हिसाब से अच्छा हुआ। इंग्लिश के हिसाब से नकल चली वहाँ पर? नहीं चली, लेकिन अच्छा हुआ। अच्छा, चलो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, अभी रूम पे जाओगे आप? ओ भाई खतरनाक है सर। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। किस किस की गाइडें फट गई आज? फटी है बहुत सी चीज़ें, तो देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो कि खतरनाक था। मतलब सब कुछ देखने को खतरनाक था। जा रही तो वो देख मतलबी सी। ए रुक जा, मैं भी चल रहा। कैसा है पेपर? अरे कुछ खास नहीं है ना। कहाँ ले जाओगी तुम? इब कहाँ जा? कौन से बस स्टैंड पर? यमुनानगर। चलो फिर चलो। ये भी तो मैं और लेकर आऊँगी। कहाँ से है तेरा? सो गाइज, लगभग इंग्लिश का पेपर था और हमारा ख़त्म हो चुका है। और मेरा भी लगभग लगभग अच्छा ही हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा बुरा पेपर हुआ है। और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो देखा आपने। चलिए देखते हैं कि क्या रहा।